फेमस एनिमेटर रिचर्ड विलियम्स का 86 साल की उम्र में निधन। 3 बार जीता ऑस्कर अवार्ड। 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हॉलीवुड के फेमस एनिमेटर रिचर्ड विलियम्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी उम्र 86 साल थी। रिचर्ड को 1988 में आई लाइव एक्शन फिल्म भूत प्रेम रॉजर रैबिट में बतौर एनिमेशन डायरेक्टर के लिए जाना जाता है। रिचर्ड की मौत शुक्रवार 16 अगस्त को उनके ब्रिस्टल स्थित घर में हुई थी। द गार्डियन अखबार को बयान में रिचर्ड के परिवार ने उनकी मौत की खबर दी। उन्होंने कहा, 86 साल के 3 बार ऑस्कर और बाफ्टा विजेता का शुक्रवार को उनके ब्रिस्टल स्थित घर में निधन हो गया। उनका जन्म कनाडा के टोरंटो में हुआ था और वे 1950 में ब्रिटेन चले गए थे। रिचर्ड विलियम्स ने साल 1958 में द लिटिल आइलैंड से अपना डेब्यू किया था और इसके लिए उन्हें बाफ्टा अवार्ड भी मिला था। उन्होंने हॉलीवुड को रॉजर और जेसिका रैबिट जैसे कई महान किरदार दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 1970 के समय आई क्लासिक फिल्मों द रिटर्न ऑफ पिंक पैंथर और द पिंक पैंथर स्ट्राइक्स अगेन के लिए टाइटल सीक्वेंस को एनिमेट किया था। रिचर्ड को उनका पहला ऑस्कर अवार्ड 1971 में आई चार्ल्स डिकेंस की किताब पर आधारित एनिमेटेड फिल्म डॉलर क्रिसमस कैरोल के लिए मिला था। इसके बाद उन्हें उनका दूसरा और तीसरा ऑस्कर अवार्ड फिल्म भूत प्रेम रॉजर रैबिट और प्रोलॉग के लिए मिला था। रिचर्ड एनिमेटर के साथ साथ राइटर भी थे। उन्होंने द एनिमेटर्स सर्वाइवल किट नाम की किताब लिखी थी, जो बेस्ट सेलिंग किताब बनी। इस किताब को इंडस्ट्री में बाइबिल की तरह माना जाता है। इस किताब को दुनिया भर में बेचा गया था और 9 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था।